नमस्कार, मेरे साथ आप देखना शुरू कर चुके हैं रुचि लाइव। सीधे नजर खबर। महाराष्ट्र में इस वक्त उद्धव ठाकरे और भाजपा के बीच वार पलटवार का दौर देखने को मिल रहा है। एक तरफ उद्धव ठाकरे का कहना है कि उन्होंने अपने मान सम्मान को बचाए रखने के लिए भाजपा की गुलामी करना मंजूर नहीं किया, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना गुट की ओर से मौजूदा सरकार के पतन का पूर्वानुमान लगाया गया है। ऐसे में अब भाजपा ने भी पलटवार किया। आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे, नीत शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार वैध है और सत्ता में बनी रहेगी। फडणवीस ने कहा कि जून 2022 में सत्ता में आई मौजूदा सरकार संवैधानिक नियम कायदों के साथ आई है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय हमारे पक्ष में ही फैसला देगा। उन्होंने ये टिप्पणी शिंदे गुट के 16 विधायकों के खिलाफ शिवसेना उद्धव गुट द्वारा दायर याचिका के संदर्भ में की है। उद्धव ठाकरे नीत गुट का नाम लिए बिना देवेंद्र फडणवीस ने उन आलोचनाओं को खारिज कर दिया कि सरकार गैर कानूनी तरीके से बनाई गई है। फडणवीस ने कहा कि लोगों के बीच ये संदेश प्रसारित किया जा रहा है ताकि ठाकरे गुट के बाकी बचे 10-15 विधायक भी बगावत ना करें। उन्होंने कहा कि हमने जो भी किया वे नियमों के अनुसार और संविधान के तहत किया। फडणवीस ने कहा कि हमारी सरकार गद्दार नहीं बल्कि खुददार है। फडणवीस ने कहा कि शीर्ष अदालत बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने से जुड़े मामले पर 14 फरवरी को सुनवाई शुरू करेगी, जिसमें हमारी जीत होगी। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि महाविकास अघाड़ी के शासन को भ्रष्टाचार के लिए जाना जाएगा, जिसमें कोई विकास कार्य नहीं है। फडणवीस ने कहा कि पिछली सरकार में एक भी विकास परियोजना नहीं बनी। उन्होंने कहा कि हम जन सेवा का 2020 मैच खेल रहे हैं, जबकि महाविकास अघाड़ी सरकार भ्रष्टाचार का T20 मैच खेल रही थी। इसी कड़ी में फडणवीस ने दावा किया कि शिंदे नीत सरकार ने केवल अपना कार्यकाल पूरा करेगी, बाकी अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। गौरतलब है कि उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना गुट के नेता आदित्य ठाकरे और संजय राउत ने कहा था कि मौजूदा सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। इस तरह देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर हमला बोलते हुए अपनी सरकार को सुरक्षित बताया। अब देखना यह है कि उच्चतम न्यायालय में विधायकों की योग्यता को लेकर होने वाली सुनवाई में फैसला किसके पक्ष में आता है। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और रुचि लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।